हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12 पढ़ रहे हैं, एग्जांपल नंबर 12 पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पढ़ रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर नेट एसआरएफ गेट या मैथ का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचे हैं। इफ ई टू द पावर ए एक्स यू एक्स इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एफ एक्स वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट देन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज, ये पूछा गया फ्रेंड्स। बेसिकली हमारे पास इसमें ऑप्शन भी थे, ऑप्शन के हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर हमारे पास देखें ई टू द पावर ए एक्स यू एक्स जो है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स यू एक्स एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां से अगर हम dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाहें तो dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका, तो इसका पहले e टू द पावर ए एक्स का क्या, तो a e टू द पावर ए एक्स डॉट यू एक्स। अब यू एक्स का करना है डिफरेंस, यू एक्स इस तरह से यू एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना कि पावर में, तो फिर इस बार हमने इसको किया, इसको छोड़ा, तो प्लस ई टू द पावर ए एक्स डॉट यू डैश एक्स ये आ गया। और साथ ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ये निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इस टर्म को करेंगे, इस टर्म को अगर देखें फ्रेंड्स ई ए टू द पावर ई की पावर ए एक्स डॉट यू एक्स, यानी कि ये को हटा दे तो यही टर्म है हमारे पास, तो इसका तो सिंपली हमारे पास इस टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करके इस टर्म में इसको लिख देना है हमें, तो ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स डॉट यू एक्स प्लस ए ई टू द पावर ए एक्स डॉट यू डैश एक्स ये हो गया। अब इस टर्म का करना है, तो इस टर्म का करेंगे तो प्लस, पहले इस टर्म का कर रहे हैं तो इस टर्म का कर रहे हैं तो ए ई टू द पावर ए एक्स डॉट यू डैश एक्स प्लस, अब इस टर्म का कर रहे हैं तो ई टू द पावर ए एक्स यू डबल डैश एक्स ये हो गया हमारे पास। अब जब यहां पे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स यू एक्स प्लस, अगर इसमें से हम अगर ई टू द पावर ए एक्स कॉमन लेना चाहें, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास यह बचता है ए स्क्वायर यू एक्स। अगर यहां से और यहां से दोनों में देखें तो ये टू, अगर इसको और इसको सम कर दे तो टू टू टाइम है, तो यहां से प्लस टू ई टू द पावर ए एक्स कॉमन चला गया ए यू डैश एक्स प्लस यू डबल डैश एक्स ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा ये ई टू द पावर ए एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास ए यू एक्स प्लस यू डैश एक्स, अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि ये जो है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ये हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये है हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर यू एक्स प्लस टू ए यू डैश एक्स प्लस यू डबल डैश एक्स ये है माइनस टू ए माइनस टू, और इसका हमें 2a का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 2a e टू द पावर ए एक्स और ये हो गया हमारे पास a यू एक्स प्लस यू डैश एक्स, और यहाँ पे अगर देखें तो प्लस ए स्क्वायर वाई जो है वाई क्या है हमारे पास e टू द पावर ए एक्स डॉट यू एक्स था ये हो गया। अब जब फ्रेंड्स ये हो गया इक्वल टू एफ एक्स, अब ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम ई टू द पावर ए एक्स पूरे में इस कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं,
तो ई टू दी पावर ए एक्स हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारे पास ए स्क्वायर यू एक्स प्लस टू ए यू डैश एक्स प्लस यू डबल डैश एक्स, अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे माइनस टू ए का, तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए और ए दो है तो यू स्क्वायर यू एक्स, और इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस टू यू डैश एक्स, सॉरी ए भी आएगा टू ए यू डैश एक्स, ये हो गया, और प्लस ए स्क्वायर और यू एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर हम देखें तो क्या क्या कट रहा है इसमें से, तो यहां से देखें ए स्क्वायर यू एक्स, ए स्क्वायर यू एक्स और माइनस टू ए स्क्वायर यू एक्स, तो इन दोनों से मिलके ये कट गया, और अगर हम यहां पे देखें टू ए यू डैश एक्स और माइनस टू ए यू डैश एक्स, तो ये कट गया, तो बचा हमारे पास ओनली u u डबल डैश x और e टू द पावर ए एक्स बराबर यहाँ पर है f x, ये वाला, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर ए एक्स u डबल डैश x बराबर f x, और जब से हमें पूछा गया था डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर u डबल डैश x ये पूछा गया था, तो यहां से हमारे पास u डबल डैश x बराबर आ गया f x अपॉन e टू द पावर ए एक्स। तो फिर इस तरह से हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यू डबल डैश एक्स बराबर आ गया ई एक्स अपॉन ई टू द पावर ए एक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।